खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर कलदम पीटीएम से मुजाकरात का इख्तियार वजीर आला केपी को दे दिया। अली अमीन गंडापुर कल अमन जिरगा करेंगे, मुजाकरात से मसाइल हल करेंगे। महंगी बिजली से निजात की जानी पहला कदम, विफाकी काबीना ने 5 आईपीपी से मुआहदे खत्म करने की मंजूरी दे दी। अवाम को सालाना 60 अरब का फायदा होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं माजी में संगदिल हुक्मरान ने कहा महंगाई से इनका सरोकार है, ना वो चीजों की कीमतें कम करने आए हैं, अब ऐसा नहीं है। बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट कम होनी चाहिए, आईपीपीज मुआहदों पर नजरसानी कर रहे हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोशिश है लाइन लॉसेस को कम किया जाए। अमीर जमात इस्लामी ने आईपीपी से मुआहदे खत्म करना खुशाइन करार दिया, हुकूमत पर दबाव बरकरार रखने का ऐलान। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा बताया जाए हम पर ये अजाब किसने मुसलत किया। और मुल्तान की आसान बैटिंग विकेट पर टीम पाकिस्तान परेशान, इंग्लैंड का 823 रन का पहाड़ देखकर कौमी बैटर्स के पसीने छूट गए, 82 रन पर 6ठी विकेट गिर गई। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान नीड नो एग्रीमेंट्स नो ट्रीटीज, वी आर यूनाइटेड, वी आर बॉन्डेड, वी आर कनेक्टेड, आवर इस्लामिक रिलेशनशिप एंड आवर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप have been created 1400 years ago with the advent of Islam, and the Muslim people in this region were one of the first to enter into Islam. पाक सऊदी अरब तालुकात तारीख की नई बुलंदियों पर, पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, दोनों ममालिक स्ट्रेटेजिक शराकत दार हैं, पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल को सपोर्ट करना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब के लिए रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मंजिल है। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज का पाक सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब, बोले किसी मुआहदे की जरूरत नहीं, दोनों मुल्क मुत्तहिद और मजबूत रिश्ते में बंधे हैं, तिजारत बढ़ाने के लिए जुग्राफियाई कुर्बत का फायदा उठाना चाहिए, निजी शोबा मुस्तकबिल में मईशत को लीड करेगा, दोनों ममालिक में 2 अरब डॉलर के 28 मुआहदों पर दस्तखत होंगे, ज़राअत कानकनी और IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी होगी। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दिस ओकेजन मार्क्स येट अनदर चैप्टर in the enduring friendship and strategic partnership between our two brotherly countries. We remain firmly committed to the sovereignty and territorial integrity of Kingdom of Saudi Arabia. पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई है, तरजीह मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम, गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल इंतहाई साजगार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब, कहा पाकिस्तान जल्द ही दुनिया की 24वीं बड़ी मजबूत मईशत बनकर उभरेगा, IT के शोबे में आलमी सरमायाकारों को रागिब कर रहे हैं, मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर, बोले पाकिस्तान सऊदी अरब की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए हर वक्त तैयार है। Saudi Arabia's commitment towards strengthening economic engagements within Pakistan, I'll highly appreciate it. I hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between Pakistan and Saudi Arabia. We invite Saudi businesses to explore the wide range opportunities of its investment Pakistan has to offer. गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे, सऊदी अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को सराहते हैं। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निशकारी अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा दोनों मुल्कों में बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का निजी शोबे की शराकत दारी से मईशत मजीद बेहतर करने का आज़्म, वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बोले पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं, मुतादिद शोबों में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इस्लामी दुनिया की खुशहाली और पुरम मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना चाहिए, सदर मुमलिकत का सऊदी अरब के साथ गैर मुतजल्जल यकजहती के आज़म का यादा, हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ देने पर सऊदी वफ से इजहार तशक्कुर,
दोनों ममालिक का मईशत, ज़राअत, कानकनी और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने का अज़्म। सऊदी वज़ीर बराए सरमायाकारी ने बताया, मुख्तलिफ शोबों में माहिदों पर दस्तखत होंगे, दो तरफा इक्तिसादी तआवुन के नए दौर का आगाज़ होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी वफद की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सरमायाकारी पर बातचीत। सिपा सलार ने कहा, पाकिस्तान के अवाम सऊदी अरब के साथ गहरी मोहब्बत और एहतराम के जज्बात रखते हैं। तवक्को है दौरा दोनों ममालिक के लिए सूदमंद साबित होगा। मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने के अज़्म का इआदा। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी फंसे तो अली अमीन गंडापुर के पैरों में बैठ गए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्हें माफ करें, हम नहीं करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी और शाह महमूद से मुलाकातें मोहसिन नकवी के अहकामात पर बंद की गईं। खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत पड़ी तो मुंह उठाकर यहाँ आ गए। शंघाई तआवुन तंजीम का इजलास, गैर मुल्की सिफारतकारों को नकल व हरकत महदूद रखने की हिदायत। वजारत खारजा की जानिब से खतूत इरसाल, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इंतजामात का जायजा। बेहतरीन तज़ीनो आराइश और तमाम रूट से तजावजात हटाने का हुक्म। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस फौरी तौर पर डी सील करने का हुक्म। गैर कानूनी तमीरात हैं तो CDA कवायद के मुताबिक काम करे, ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए, किसी को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, GDP 13% से ऊपर ले जाना चाहते हैं। सेल्स टैक्स के लिए 3 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चेयरमैन FBR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तवानाई शोबे में इस्लाहात और टैक्सेस में लीकेज रोक रहे हैं। शराय सूद में कमी से सूरत हाल बेहतर हुई। वर्ल्ड बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय को जरूरी करार दे दिया। तवानाई का शोबा मईशत के लिए संगीन खतरा, सार्फीन से मुकम्मल पैदावारी लागत वसूल करने पर जोर। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40.5% तक पहुंचने का इंकशाफ। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद नागुजीर करार, रिपोर्ट में बताया मुल्क में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी हैं। पाकिस्तान ने मौशी बहाली की तरफ कदम बढ़ा दिए, इक्तिसादी इस्तेहकाम बरकरार रखना एक चैलेंज है। महंगाई में नुमाया कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। पाकिस्तान में IMF की नुमाइंदा ईस्टर पेरिस का तकरीब से खिताब, कहा तौसी फंड का मकसद आवाम का मयार जिंदगी बेहतर बनाना है। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है, SCO कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को मजीद तकवीत मिलेगी। वजीर इत्तिलात अतात आड़ू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के बगैर खत्ते में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। ख्वातीन और बच्चों पर फास्फोरस और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किस जंग में होता है। SCO कॉन्फ्रेंस में मसले फलस्तीन पर भरपूर आवाज उठाई जाएगी। इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी, लबनान पर तबाहकुन बमबारी, इमदादी कारकुनान समेत 32 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, शिमाली इसराइल पर 150 रॉकेट हमले, 2 इसराइली मारे गए। जनूबी लबनान में शदीद झड़पें, हिजबुल्लाह का 35 इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा। लबनान में क़याम आम के लिए फ्रांस में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 24 अक्टूबर को होगी। ईरान के हमलों का रद्द अमल खतरनाक और हैरान कन होगा, इसराइल की धमकी। मिसाइल अटैक में किसी किस्म का नुकसान न होने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है, ईरानी मिसाइलों ने F-35 लड़ाका तैयारों को नुकसान पहुंचाया। हमले की सूरत में ईरान बहुत बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार है। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी, इसराइल की जबालिया कैंप पर बमबारी में सहाफी समेत 15 फलस्तीनी शहीद। खान यूनस में 5 बेगुनाह जान से गए। 24 घंटों में मजीद 64 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। मगरबी किनारे में एक गाड़ी पर फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। बोलेविया भी इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के मुकदमे में फरीक बन गया।
वजीर आला पंजाब से तालबात की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तालबा को करीब बिठा लिया, प्यार किया, तालबात के साथ तस्वीर भी बनवाई। गर्ल्स स्कूलों में हिरासानी के सदबाब के लिए खसूसी कमेटियां बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, तालबे इल्मों के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप और ई बाइक समेत दीगर मंसूबे ला रहे हैं।